उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में खिलौने की दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हादसा नंदा नगर इलाके में हुआ। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग लगने की वजह से लाखों के नुकसान की खबर है। आग लगने की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तस्वीरें भी इसकी सामने आई हैं। लाखों के नुकसान की खबर है। इंदौर की खिलौना फैक्ट्री में ये भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां जो थी वो मौके पर पहुंची और आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन उससे पहले लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। हालांकि क्या कारण रहे आग लगने के पीछे ये अब तक पता नहीं चल पाया है। इस पूरे मामले की जाँच की जाएगी, साथ ही साथ कितने पैसों का नुकसान हुआ है इसकी भी ऑडिटिंग की जाएगी। तस्वीरें आई हैं इंदौर से सामने, जहां आग का तांडव देखने को मिला है। तो जहां एक तरफ मुंबई से सटे ठाणे में कार में आग लग गई, वहीं इंदौर में एक खिलौने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल नजर आया। तुरंत फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। उसकी तस्वीरें भी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। लोगों की भीड़ भी यहां पर इकट्ठा है, साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की टीम भी आग पर काबू पाने की कोशिशें करती हुई इन तस्वीरों में नजर आ रही है।